हेलो नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग ग्रेट एट योर ओन प्लेसेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑरेंज पील पाउडर को कैसे बनाया जाए घर पे आसानी से, ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट अपने उठा पाए। ऑरेंज जो है सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है, और सिट्रस फ्रूट बहुत भरपूर होते हैं विटामिन सी से, और अपने उसका फायदा उठा सकते हैं। अपने जो स्किन पे ब्लैमिशेस है, जो अब मानसून सीजन गया है उसके बाद जो अपने छोटे छोटे एक्ने मार्क्स जो रह गए हैं उनको हटाने में, और अपनी स्किन में जो ब्रेकआउट हो रखा है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इन सब चीजों को हटाने के लिए अपने ऑरेंज पील पाउडर फेस पैक का यूज करेंगे, और इसको आसानी से कैसे घर पे बनाएंगे और कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे, ये मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको यूजफुल लगती है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि बहुत ही आसानी से बन जाने वाला फेस पैक है। इसके लिए सबसे पहले अपने लेंगे ऑरेंज पील पाउडर, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है इस फेस पैक का। ऑरेंज पील पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो ब्रांड लिया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से इसको परचेज भी कर सकते हैं। और भी कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं, मैं उनके लिंक भी वहां डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से उनको परचेज कर सकते हैं। तो ये जो ऑरेंज पील पाउडर है इसके 2 चम्मच अपने लेंगे एक कटोरी में, और फिर उसके अंदर अपने 2 पिंच जो कस्तूरी हल्दी रहती है, वाइल्ड टर्मरिक जिसको बोलते हैं, वो अपने इसके अंदर मिक्स करने वाले हैं, ताकि वो अपने स्किन है उसका टोन है थोड़ा इवन करने में मदद करे, और उसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है उनकी वजह से अपने जो कील मुहासे इन प्रोसेस है, मतलब जो छोटे छोटे अपने चेहरे पे कील मुहासे आ चुके हैं उनको अपने हटा सकते हैं। तो 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर के अंदर अपनों ने 2 पिंच 2 पिंच 2 चुटकी हल्दी पाउडर मिक्स किया, और इसका पेस्ट बनाने के लिए अपने यहाँ पे यूज करने वाले हैं गुलाब जल। तो आवश्यकता अनुसार गुलाब जल आप इसमें मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद इसको फेस पे लगाइए, 15 मिनट तक इसको रखिए, और जैसा मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ पूरा इसको सूखने नहीं देना है, पूरा सूख गया तो स्किन में खिंचाव आएगा और अपने झुर्रियां भी पड़ सकती है। तो इसके लिए अपने को 15 मिनट तक अपने चेक कर लेंगे हल्का सूख गया है, और फिर इसको रब करके धीरे धीरे रनिंग टैप वाटर से इसको धो लेंगे, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए अपने इसको हफ्ते में 3 बार यूज करेंगे, और 3 बार यूज करने के बाद ही अपने को पता लग जाएगा कि अपनी स्किन पे ये फर्क दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर फर्क दिखा रहा है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो मैं आगे भी बहुत सारे ऑरेंज पील पाउडर के जो फेस पैक है वो शेयर करने वाली हूँ, तो आप उनको देखिए, उनको लगा के ट्राई कीजिए, ये आपको बेनिफिट जरूर करेगा। आपकी जो स्किन है, आगे आने वाली जो फेस्टिविटीज है, बहुत सारे फेस्टिवल्स शादियां जो आने वाले हैं उनमें आप इनको अपनी उसके लिए आप अपनी स्किन को तैयार कर सकते हैं, अपनी जो स्किन है उसको इवन आउट कर सकते हैं, अपनी जो स्किन है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।